जोड़ों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, कमर दर्द, एड़ियों में दर्द हो तो ये चीजें खाना आज से ही बंद कर दें। दोस्तों, अर्थराइटिस यानी गठिया के मरीजों को घुटनों, एड़ियों, पीठ, कलाई या गर्दन के जोड़ों में दर्द होता है। ये बीमारी अक्सर 50 साल के बाद लोगों में होती थी, लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से युवाओं में भी गठिया अर्थराइटिस के लक्षण देखे जा रहे हैं। खाने पीने की आदत में सुधार कर इससे बचा जा सकता है। अगर आप गठिया के मरीज हैं, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द काफी सालों से है, अक्सर आप घुटनों के दर्द का सामना करते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी खाने वाली चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप डाइट में शामिल कर लेते हो तो इस बीमारी में आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिसे आपको अवॉइड करना है, उससे दूरी बना लेना है, नहीं खाना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी का मौसम में एक साग आता है जिसे बथुआ का साग कहते हैं। देखिए, बथुआ का साग इस तरह का होता है। बथुआ का साग दोस्तों गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द वालों के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है। आयुर्वेदिक किताब स्टांग हृदय में भी बताया गया है कि जिनको भी गठिया की समस्या हो, वे लोग अगर बथुआ का साग खा लिए तो गठिया की समस्या जड़ से खत्म भी हो सकती है। यूरिक एसिड की समस्या कंट्रोल में आ जाएगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या, जोड़ों में स्वेलिंग की समस्या यानी सूजन की समस्या नहीं होगी। तो बथुआ का साग इस सर्दी के मौसम में आता है, तो आप इस साग को डाइट में अवश्य शामिल कीजिए। रोजाना सुबह खाली पेट 100 ml के बराबर बथुए के साग का जूस पीजिए। साग को अच्छे से साफ करके इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका जूस निकाल लीजिए और खाली पेट इसका लगातार कम से कम 15 दिनों तक सेवन कीजिए और साथ में बथुए के साग की भाजी भी बनाकर खाइए। इससे बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है दोस्तों, जरूर करके देखिएगा। इसके अलावा रोज कम से कम 3 लीटर पानी पिए। गठिया के रोगियों को अपना देखभाल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अगर आप पानी कम मात्रा में पीते हैं तो ये लापरवाही नहीं चलेगी। हर दिन कम से कम 3 लीटर पानी जरूर सेवन करना चाहिए। आप जूस का सेवन कीजिए, नींबू पानी पीजिए, है ना, यानी 3 लीटर तक आपको लिक्विड लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा तो आपको गठिया से उबरने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अलसी के बीज खाइए। हर दिन अलसी के बीज को चबा चबा कर खाने से इससे आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा अलसी के बीज के अंदर ऑयल कंटेंट होता है, तो जिनको भी जोड़ों में, घुटनों में कटकट की आवाज आती है, जोड़ों में लुब्रिकेंट की कमी हो गई है, ग्रीस की कमी हो गई है, उनके लिए भी ये फायदा करता है। ग्रीस की कमी को, लुब्रिकेंट की कमी को ये पूरा करता है। इसके साथ ही अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। तो आप इस सर्दी के मौसम में अलसी के लड्डू घर पर बनाकर खा सकते हैं। अगर घर पर अलसी के लड्डू ना बना सको तो सिर्फ 2 से 3 चम्मच अलसी के भुने हुए बीजों को ऐवी चबा चबा कर खा लीजिए। कोई नुकसान नहीं होगा। इस सर्दी का मौसम में बेफिक्र होकर आप अलसी का सेवन कीजिए। इसके अलावा विटामिन सी का सेवन अवश्य कीजिए। गठिया रोगियों के लिए विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये दोस्तों कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेने से हड्डियों के रोग ठीक हो जाते हैं। विटामिन सी के लिए आप संतरा, मौसमी, नींबू और खासकर अनानास खाइए यानी पाइनएप्पल खाइए। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नामक एक तत्व होता है जो जोड़ों के दर्द, घुटनों में दर्द से सूजन से राहत दिलाता है। इसके अलावा कीवी खाइए। रोजाना 1 कीवी खा सको तो खाइए, नहीं तो आप वीक में 2 से 3 दिन कीवी अवश्य खाइए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका सेवन यानी विटामिन सी का सेवन आपको दिन के समय में ही करना है। खट्टे फलों का सेवन दिन के समय में ही करना है तो ही आपको फायदा मिलेगा। शाम के समय में भूल कर भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो दर्द और भी ये बढ़ा सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ठंडा खाने से बचें। गठिया के रोगियों को ऐसी चीजें खाने से बचना चाहिए जो एहसास में ठंडी होती है या फिर जिनकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जैसे कि प्योर मूंग की दाल हो गई, खट्टी या फ्रिज में रखी हुई दही हो गई, है ना, खट्टी और ठंडी छाछ हो गई। इसके साथ ही आइसक्रीम हो गया, कुल्फी और बर्फ से तैयार चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीने हैं। ठंडी तासीर वाली चीजों से अभी दूरी बना लीजिए, खासकर इस ठंड के मौसम में। इसके अलावा गठिया के रोगियों को ऐसा भोजन खाने से बचना चाहिए जिसमें प्रोटीन की अधिकता हो। हाई प्रोटीन वाली चीजें नहीं खानी है, जैसे कि आपको चना भी नहीं खाना है, आपको पहले ही बताया कि हरी मूंग नहीं खानी है। साथ ही दोस्तों, जिनको जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या काफी सालों से है, तो ऐसी चीजें भी आपको नहीं डाइट में शामिल करना है जो शरीर में वायु को बढ़ाने का काम करती है, यानी कि वात को बढ़ाती है,
जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, कमर में दर्द, इस तरह की हड्डियों से संबंधित जो भी रोग होते हैं दोस्तों, शरीर में वायु बढ़ने की वजह से होते हैं, यानी कि वात बढ़ने की वजह से होते हैं। तो ऐसी चीजें आपको नहीं खानी जो वात बढ़ाता हो, जैसे कि छोले, चना, राजमा, अरबी, कटहल, इन चीजों को बिल्कुल भी खाना बंद कर दीजिए। साथ ही मैदा से बने बिस्किट्स, स्नैक्स और चिप्स वगैरह भी खाने से बचें, क्योंकि मैदा फैट को बढ़ाने और पेट में गैस बनाने का काम करती है। यह आपके दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। आप डाइट में शुद्ध देशी घी 2 चम्मच की मात्रा में रोजाना शामिल कर सकते हैं। इससे जोड़ आपके मजबूत हो जाएंगे, लुब्रिकेंट की कमी यानी ग्रीस की कमी जोड़ों में कभी भी नहीं होगी। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन चीजें जैसे कि रेड मीट हो गया, मछली हो गया, है ना, अंडे हो गए, आपको ये खाना बंद करना होगा, क्योंकि ये हाई प्रोटीन कंटेंट होते हैं। इसके अलावा रेड मीट खाने से यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ती है, यानी कि माइंड में आपको ये रखना है कि हाई प्रोटीन फूड आपको नहीं खाना है। आपको खाना ही है तो आप इन चीजों को पूर्ति करने के लिए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। अखरोट, बादाम, काजू, इन ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाइए, आपके शरीर के लिए फायदा करेगा, जोड़ों के लिए फायदा करेगा। तो दोस्तों आज हमने जाना, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द हो, गठिया, अर्थराइटिस हो, तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जरूर जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।